नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भरतीपुर इलाके में सट्टा संचालित करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओमती पुलिस ने शुक्रवार की रात 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 11,000 रुपए नगद, सट्टा पर्ची और हिसाब किताब वाला रजिस्टर जब्त किया है। सटोरियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने भरतीपुर से ओमती थाने तक उनका जुलूस निकाला। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अंतरिम आदेश के जरिए आईजी एके गुप्ता के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी के साथ राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया गया है। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। शारदा नगर में बोरिंग पर लगे प्रतिबंध को लेकर वाहन निर्माणी फैक्ट्री के जीएम से मिलने पहुंची निगम अध्यक्ष 4 घंटे गेट पर खड़ी रही, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, जीएम बिना बातें करे वाहन में बैठकर सामने से ही निकल गए। पूर्व में 45 लाख रुपए के बिजली बिल घोटाले के आरोपी सहायक अभियंता और लाइन स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू होने के 45 दिन बाद आखिरकार आरोप पत्र जारी हो गया। आरोप पत्र में आउटसोर्स कर्मियों के खिलाफ कंपनी अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। दुराचार पीड़ित 10 साल की गुड़िया अब पूरी तरह स्वस्थ है। उसकी नियमित जांच की जा रही है। उसे सोमवार को मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। मेडिकल अस्पताल में गुड़िया की शुक्रवार को सभी जांच हुई। परिजन का कहना है कि वे मेडिकल अस्पताल में इलाज से संतुष्ट हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।